ये मतलब बुराई करने का साधन ही नहीं है। तो मैं यहाँ इस मंच और इस पावन धर्म धरा पर बात कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने स्वयं ने मैं आज कम से कम इतने सालों से इनके साथ में हूँ, किसी भी प्रकार की कोई आपके साथ में भेदभाव और विशेष करके आपका गौर गरीब विशेषकर निचले तबके के लोग जो किसी भी समाज से हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई निचले तबके के कोई पर्टिकुलर समाज से आते हैं। निचला तबका का अर्थ है आर्थिक स्थिति से कमजोर और मतलब वंचित लोग, उनका आपने भरपूर सहयोग किया है। रही बात, अभी मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि कांग्रेस के दो फाड़ किसे कहते, वो कोई कार्यकर्ता थे, मन मुटाव था, उन्होंने कोई कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं गए, उन्होंने भी उस भाषण में कहा है कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ में रहेंगे। उन्होंने एक बात अच्छी कही कि हम मिल बैठकर निर्णय लेंगे, तो आप उसको गलत तौर तरीके से मत लेना। मिल बैठकर तो हम भी आज बात करते हैं, परंतु यदि इस क्षेत्र में किसी का उम्मीदवारी का हक बनता है, जिसको हिंदी में अधिकार भी कहते हैं, तो जो प्रथम पंक्ति में नाम आएगा वो रतन जी देवासी होगा। और यदि अपने वरिष्ठ पार्टी के नेता, वरिष्ठ जो भी कमेटियां हैं, वो कुछ निर्णय लेती हैं, तो उनका भी गलत निर्णय हम लोग यहाँ की रानीवाड़ा की जनता नहीं लेने देगी। ये हम संघर्ष करेंगे कि आप किन कारणों से हमें संतुष्ट किया जाए, कोई बात नहीं ऐसे, परंतु इनका विकल्प ढूंढे तो इनके जैसा उसकी उपयोगिता योग्यता बताए। और जो उम्मीदवारी भी अपने को दायर करता है, वो व्यक्ति आपके पास आएगा, मेरे पास में आएगा, हम कहेंगे, पूछेंगे कि साहब आपकी क्या योजना है, आपने पहले क्या काम किए, आपके पास में किस प्रकार के साधन हैं काम करवाने के, आपकी पहुंच कहां तक है, आप रानीवाड़ा से आगे नहीं गए, ज्यादा से ज्यादा जालौर से आगे नहीं गए, आगे का तो रोड मैप भी ध्यान नहीं है। तो फिर सीधी बात कर दें विधायक की तो मामला नहीं बैठेगा। और फिर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कहीं कोई फंक्शन होता है तो किसी ने कह दिया हमारा माला में नाम नहीं आया, हमारा फलाने में नाम नहीं। मंत्री जी पधारे थे, जब मैं थोड़ा लेट पहुँचा तो मुझे आगे की सीट नहीं मिली, मैं साइड में खड़ा हो गया, तो एक कोई देवासी जी बुजुर्ग थे, वो उठे कि आप बिराजो, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। फिर उन्होंने मुझे बैठाया, तो पास में एक बैठा था व्यक्ति, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने कटाक्ष किया कि थोरो ठाकरा वट पड़े। मैं कि ये वट नहीं है, ये वफादारी है, इसको ये वफादारी कहते हैं। और जो मुझे कुर्सी मिली है, उस व्यक्ति ने मेरी वफादारी देखकर उसने सीट छोड़ी है। तो इसलिए आपको कहता हूँ इस रानीवाड़ा की जनता को कि आप अपने नेता के प्रति, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है, तो आप अपनी वफादारी निभाना और उस कसौटी पर खड़ा उतरना। धन्यवाद। जय हिंद।